गुलाबराव करंजुले पाटील, एक्स प्रेसिडेंट अंबरनाथ म्युनिसिपल काउंसिल। ओके सर, सबसे पहले तो जेल में आज प्रोग्राम हुआ उसके बारे में बताइए, जो है आज इंडिपेंडेंस डे भी है, किस तरह से सेलिब्रेट किया जाना चाहिए और क्या एक चीज है जो हमारे देश में आज के दिन पे चेंज होनी चाहिए? आज के तारीख में जेल की जो आज प्रोग्राम हुआ जेल में, इस विषय में बहुत सारी बातें करने के लिए है। ऐसे राम भाई हमारे जो दोस्त थे, इन्होंने और हमने चार दिन पहले ऐसे विचार हमारे मन में आया कि भाई 5,000, 2,000, 10,000 के लिए सालों साल कोई आदमी जेल में रहता है, जबकि उसके किसी रिलेटिव को मालूम नहीं है या अनोन आदमी जेल में पड़ा रहता है और उसको जो पीड़ा सहनी पड़ती है। तो हमने ये 15 अगस्त का जो जैसा देश को आज़ादी मिली, तो ऐसे हमारे बंदियों को भी आज़ादी मिलनी चाहिए। जरूरी नहीं कि जेल में हर आदमी अपराधी ही जाता है। कई टाइम ऐसा भी होता है कि जो किसी ने अपराध नहीं किया हुआ, गलती से फंसा हुआ भी आदमी जेल में रहता है। और इसके लिए हमने मिलकर ऐसा एक संकल्प किया कि 15 अगस्त के दिन जितने भी आदरवाड़ी जेल में जिनका पैसे की वजह से अंदर है, 2,000, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 जो भी फाइन हुआ है, वो फाइन भर के उनको आज़ाद करने का संकल्प गुलाबराव करंजुले पाटिल प्रतिष्ठान की तरफ से ये संकल्प हमने किया है आज। तो मतलब ये इनिशिएटिव हर साल लिया जाएगा या फिर ये साल या फिर अगले साल कुछ अलग करने वाले हैं? अगले साल उनके लिए फिर अगर करना है करेंगे हम। और ये तो गुलाबराव करंजुले प्रतिष्ठान जो है, ये हमेशा दलित पीड़ित शोषित लोगों के लिए काम करती है। बच्चे लोगों को जहाँ पे ग्रामीण भाग में 25,000 काफ़ी अब बुक्स देते हैं, स्कूल के बैग्स और ये सब बांटते हैं। अगर समझो कुदरती ऐसा आप लोगों को अगर सहयोग है तो हम ये प्रोग्राम हर साल लेंगे, कोई बात नहीं। तो जिस तरह से आज इंडिपेंडेंस डे है, लोग आजादी मनाते हैं, लेकिन जेल के अंदर देखा जाए तो वो कैद हैं आज भी, तो उनके अंदर किस तरह का उत्साह होता है इंडिपेंडेंस डे को लेकर? अभी आज तो हमने देखा, हमारे से भी अच्छा उत्साह उन्होंने था, क्योंकि रात दिन अपने बाल बच्चों के बारे में सोचने वाले, टेंशन में रहने वाले, जो भी अपने फैमिली के बारे में, मगर आज हमारे साथ जो दो कलाकार महान कलाकार है और तीसरे हमारे जो जेठालाल ये भी थे, इनके वजह से इतनी खुशी उनमें, या उसकी कोई मतलब शब्दों से गणना नहीं की जा सकती, इतनी खुशी ले रहे उन्होंने, इतने खुश हो गए, इतने तालियां, इतने शोर, इतना मतलब मेरे लाइफ में पहला प्रोग्राम रहेगा कि हर आदमी ताली बजा रहा था और हर आदमी इंजॉय कर रहा था। तो राम जी जिस तरह से इस तरह के कार्य करने का वो सोचते हैं, तो उनके साथ आप किस तरह से हर कदम पे उनके साथ किस तरह से आपका सहयोग है? राम तो मेरा छोटा भाई है और आज से राम राम भाई की मेरी दोस्ती नहीं है, कई सालों से है, और हम दोनों के भी विचार एक दूसरे से मिलते हैं। और सामाजिक कार्य के लिए मुझे ऐसा एक्सपीरियंस है, राम भाई को अगर कभी बताया कि भाई ये सामाजिक कार्य करने का है, तो राम भाई अपना खुद का काम छोड़ के जेब का पैसा खर्चा करके गरीबों के लिए और कुछ भी सामाजिक कार्य करने में तत्पर रहते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। वीआईपी जी, आप क्या कहना चाहेंगे और जेल इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल, कुछ लोग ऐसे लोग भी थे जो लोग मुझे जानते थे, कहीं मैं उनसे मिला रहा हूँ कोई शो में, ऐसे लोग भी मिले थे, मुझे बोलते थे अरे पहचाना मुझे, मैं आपको फलाने जगह मिला था। कुछ लोग मेरे कॉमेडी सर्कल से सेट पे भी आए थे, तो उनको देख कैसा लगा कि यार आज ये भले जो भी पीड़ा से गए अंदर, दो क्राइम होता है, गए भले गलती से गए या कुछ भी हो, लेकिन जो उनको हंसाने में जो आज मजा, क्योंकि आप जानते हैं जब किसी को हम जेल में रखते हैं उनके पास कोई एंटरटेनमेंट नहीं होता है, लेकिन आज ऐसा लगता है वाकई में वो स्वतंत्र तो हुए, मतलब इतना हमने देखा कि उतना खुल के हंस रहे थे, इतना उनको लगा नहीं कि वो जेल में है। और जो राम भाई और गुलाब जी ने मतलब जो बीड़ा उठाया सर, अगर आप ये हर साल करें, हर साल के मैं तो चाहूँगा कि हर 2-3 महीने में अगर कभी भी हमारी ज़रूरत हो तो डेफिनेटली मुझे बुलाइए, मैं आऊँगा। क्योंकि ये सब करके जो दिल को सुकून मिला आज मुझे, वाकई में मतलब आज प्यारी नींद आएगी मुझे। धन्यवाद जी। और एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, आज इंडिपेंडेंस डे है, क्या ऐसी चीज़ है जो हमारे देश में चेंज होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू? सबसे पहले जातवादी दूर होनी चाहिए, तब तक पीएम इतने जैसे बोले जा रहे हैं सबका साथ सबका विकास,
लेकिन कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। सबको लगता है कि बस मेरे वोट मैं ले लूँ, मेरी मेरी जात का वोट मैं ले लूँ, मेरे मेरे समाज का वोट ले लूँ, इससे देश आगे बढ़ेगा नहीं, बस खाली वो उतने ही में रह जाएगा। जब तक सब लोग साथ में नहीं आएंगे, मैं नहीं चाहूँगा कोई भी पीएम आए, लेकिन जब तक पूरे देश को साथ में लेकर नहीं चलेगा तब तक देश का विकास तो 100% नहीं होगा, चाहे हम चाहे कुछ भी कर लें। और देश आगे बढ़ ही रहा है, ऐसे आपको अब भी जानते हैं बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हुई है, जो पहले हम घंटों कतारों में रहते थे अभी फटाक से मोबाइल में हो जा रहा है, मतलब आ रहा चेंजेस आ रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। तो आपने विकास की बात की, तो पीएम मोदी के आने के बाद आपको विकास नजर नहीं आ रहा है? मुझे तो आ रहा है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, मैं तो मुझे दिखाई दे रहा है, मतलब इतना कुछ लोगों ने नहीं दिखाई दे रहा है तो वो उनकी बात अलग है। लेकिन देखो जब तक अपोजिशन में अगर बैठेगा तो वो तो चाहेगा गलती नहीं, अगर मैं अपोजिशन में रहूँ मैं भले सामने वाले कितना भी अच्छा काम करूँ मैं तो गलती नहीं करूँगा, मैं गलती ढूंढूंगा, अच्छा काम नहीं देखूंगा मैं। तो ये तो ठीक है, अपोजिशन वाला अपना काम करे वो अच्छा करे, लेकिन मोदी जी का अपना अच्छा कर रहे हैं, मैं जनता भी जानती है, ये सब लोग जानते हैं। जो हमारे सिपाही हैं जो बॉर्डर्स पे हमारी रक्षा के लिए वो अपना घर छोड़ के वहां पर होते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इंडिपेंडेंस डे है, आप उनके साथ सेलिब्रेट करना चाहेंगे अगर मौका मिले आपको तो? बिल्कुल, आज मैंने जो परफॉर्म किया है, मैं पूरे मिलिट्री की ड्रेस पहनता हूँ, मैं एक जवान की ड्रेस पहन के मैंने आज पूरा अटेम्प्ट किया वहां पर, पूरी फायरिंग वायरिंग में गले से पूरा एक साउंड निकालता हूँ जो ऊपर वाले की देन है, गन मशीन हेलीकॉप्टर वगैरह, और आपने जो कहा है तो मैं डेफिनेटली मैं जाऊँगा। ये तो बल्कि मैं राम से सर साहब अभी हम आपस में बात भी की थी हम लोगों ने कि एक बार हमें बॉर्डर पर जाना है, उन जवानों के लिए करना है जो जवान अपनी फैमिली से दूर है, जिन पे सिर्फ एक ही होता है कि उनके हाथ में बंदूक होती है, सामने दुश्मन होता है, अगर उनको हंसाया जाए तो शायद वो रिलैक्स हो जाए, तो मौका मिलेगा तो डेफिनेटली अगर आप लोग ले जाएंगे तो हम चलेंगे। वैसे मैंने काफ़ी लोगों से बात की है, मीडिया एक माध्यम होते हैं, मीडिया में पहुंचा देती है, तो आप लोग पहुंचा दो हमको बॉर्डर पे, हम चले जाएंगे। तो इंडिपेंडेंस डे पे कॉमेडी में आपके किस तरह से शुभकामनाएं होंगी देशवासियों को? वैसे आप लोग तो जानते हो मैं 150 आवाज निकलता हूं, लेकिन 150 में जो देशवासी मुझे सुन रहे हैं उनको मैं बधाई देता हूं। सबसे पहले नवाजुद्दीन सिद्दीकी, हरमन तेरे बेबे का मर्डर नहीं किया, मैं क्या गलती से मारा, पागल है क्या? 15 अगस्त की शुभकामनाएं देता, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हाँ माँ सटक ली, अरे सब कुछ करेगा, चेकान सिकरेगा, एगो हाथ नहीं करेगा, आ ले रे 15 अगस्त आ ले। तो यही कहूँगा, सबको बहुत बधाई हो, हैप्पी इंडिपेंडेंस सभी। ओके राम भाई, आप इंडिपेंडेंस डे का मौका है, कितना एंजॉय किया आप लोगों ने हम लोगों के साथ? जी मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ राम जी का, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इससे बढ़िया हम 15 अगस्त के दिन का यूज़ कर सकते हैं। हम कॉमेडियन हैं, हंसाते हैं, शो वगैरह हम करते रहते हैं, इधर उधर जाते रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा जो आया आज के शो में आया, जिसमें जेल में जाकर के पहली बार जेल देखी, जेल में जाकर के कैदियों को देखा और उनको हंसाने का मौका मिला, तो खुश नसीब समझते हैं हम खुद को। और आगे भी ऐसे जेल हो गई जैसे आपने बताया, सैनिकों के वहां जाके हंसाने का मौका मिलेगा तो ज़रूर जाएंगे। ओके, और जैसे हमको पता है कि आप राहुल गांधी और मोदी जी दोनों का आवाज़, तो उनके सामने ऐसा कुछ आपने किया और अगर कुछ करना चाहे हमारी ऑडियंस के सामने आप? उनके साथ मोदी जी के से तो मैं मिला नहीं हूँ अब तक, राहुल जी से मिला था, वहाँ पे किया था, और कई और जगह नेता वगैरह रहते हैं तो वहाँ किया था। मोदी जी जैसे आज प्रधानमंत्री हैं, 15 अगस्त है, तो मोदी जी बोल रहे हैं, भाइयों बहनों, मैं मेरे देशवासियों को आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बहुत बहुत बधाई देता, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इस आवाज़ को लेकर काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी भी होती है, स्टार प्लस ने आपकी मिमिक्री को नहीं जाने दिया, ब्रॉडकास्ट नहीं होने दिया, अक्षय कुमार ने कुछ नहीं बोला, इस बार चुप्पी व्रत रखी, उसको लेके कहीं ना कहीं आपको बाद में बहुत सारी परेशानी हुई, इस तरह की खबर आई मीडिया में, उसको लेके आप कुछ बताना चाहेंगे? सर परेशानी मुझे तो नहीं हुई थी, मैं लोगों को ज्यादा हुई थी, वो जब वीडियो वायरल हुआ तो लोगों को लगा था भैया क्यों नहीं आया, लोगों को लगा भी ये चीज़ आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा है आज तो यूट्यूब है हमारे पास और यूट्यूब पे हम कुछ भी कर सकते हैं, हमें वो आज़ादी है करने की, तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस वही था कि कई चीज़ें हैं जो नहीं चलती है एंटरटेनमेंट चैनल पे, जो अपने पॉलिटिक्स वाली हो जाती है, तो वो उनकी अलग अलग रहती है सीमाएं, बाकी सब अच्छा चल रहा है। और अक्षय कुमार जी का बता रहे चुप्पी शादी, वो चुप्पी नहीं साधते हैं, वो उनका पूरा सपोर्ट था और सबका ही सपोर्ट था, बस वो कहीं ना कहीं वो था कि मतलब नहीं था। उनका ये सपोर्ट था कि ब्रॉडकास्ट ना करें? नहीं, उनका सपोर्ट था कि मेरा जो टैलेंट है वो, नहीं वो उनका कुछ भी नहीं था, वो उनका यही था कि अपना जो टैलेंट है वो बहुत अच्छा है, उनको बहुत पसंद भी आया था, तो
तो आपने उनको नहीं बोला कि ये क्यों नहीं हो रहा स्टाफ प्लस को, आप सर, देखते हो वो तो बड़े हैं। वो आपको भी पता होगा सर, चैनल अलग चीज होती है, वो जो वहाँ जज रहते हैं वो अलग रहते हैं, उनका अलग सिस्टम रहता है, उनका सिर्फ नंबर देने का काम होता है, वो जो बाकी चीजें वो चैनल देखता है, वो अक्षय कुमार जी नहीं देखते हैं। उसके बाद एक इंटरव्यू भी हुआ था द वायर में, जो इंटरव्यू हुआ था आपका, और उसको लेके भी काफी बवाल हुआ था, उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? द वायर में आपने एक दिया था इंटरव्यू, आपको याद होगा, दिल्ली में आपने दिया था। मैंने, मुझे क्यों नहीं याद होगा सर। उसको लेके भी काफी बवाल हुआ था और बहुत ही क्रिटिसिज्म आपको सहना पड़ा था, उसके बाद तो आपने इंटरव्यू देना बंद कर दिया था। नहीं नहीं, इंटरव्यू देने बंद नहीं किए सर, मैं तो इंटरव्यू देता ही रहता हूँ। बाकी वो बवाल पता नहीं क्यों हो गया था, मुझे भी नहीं पता, मैंने तो खाली मेरी बात बताई थी पूरी। बीजेपी की तरफ से काफी आपको परेशान किया गया था? नहीं नहीं, परेशान वगैरह बीजेपी की तरफ से नहीं किया गया, ना मुझे कांग्रेस की तरफ से किया गया, वो खाली एक हवा बनाई गई थी, वो जो टेलीकास्ट नहीं हुआ उसकी वजह से हवा बन गई थी कि भाई ऐसा हो गया है कि बीजेपी वाले विरोध कर रहे हैं, किसी को लगा कांग्रेस विरोध कर रही है, विरोध कोई नहीं कर रहा था। बाकी उसके बाद मुझे पता चला जब बड़े बड़े नेता मुझसे मिले कि आप बहुत अच्छा करते हैं, आप करते रहिए, तब मुझे लगा कि यार ऐसा कुछ है ही नहीं जो विरोध कोई कर रहा है। हाँ, रविशंकर जी थे वहाँ दिल्ली में, रश होता था, रविशंकर जी बैठे थे, उन्होंने भी खूब तारीफ की थी, योगी जी ने की थी। तो आज जब आप जेल आपको जाना था इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट थी, आपके पास जब राम जी आया तो आपका रिएक्शन क्या था कि वहाँ जाना, और किस तरह आप मोदी जी या राहुल किस तरह की कॉमेडी को लेकर आप अंदर गए? जी जी, वो तो जैसा शो है, आज जैसा मौका है 15 अगस्त का, तो हम उस थीम भी वैसे ही रखते हैं, जेल में जा रहे हैं तो वैसे कैसे हंसाया जाए उनको, कैसे वो अच्छी चीज़ें रिलेट करेंगे, तो ऐसा ही रहता है। बाकी मोदी जी और राहुल जी है, मैं उनको जैसे संता बनता है वैसे रखता हूँ कि संता ने ये बोला तो बनता नहीं ये बोला है, तो मोदी राहुल जी ने आरोप लगाया तो मोदी जी ये बोलेंगे, तो वैसी चीज़ें रहती है, सब लोग हंसने चाहिए बस। सर आपने, जैसे कि आप कह रहे कि मोदी जी बहुत ही चैनल तो कोई ब्रॉडकास्ट ही नहीं करता है, और अभी हाल ही में दो एडिटर को निकाला गया एबीपी न्यूज के। देखो मैं जानता हूँ, देखो पॉलिटिक्स के साथ आप लोग भी हाथ बंधे हुए, आप भी शूट तो आप भी करते हो, आप भी दिखाते हो, क्योंकि आप लोग भी हाथ बंधे हुए हैं। ठीक है, सही बात है, क्योंकि कुछ चैनल को नहीं दिखाना चाहिए, शायद किसी को हर्ट हो सकता है। नहीं, पत्रकार को भी निकाला गया एबीपी न्यूज से, आपको भी मालूम होगा, दो बड़े एडिटर को निकाला गया क्योंकि वो उन्होंने नरेंद्र मोदी के ऊपर चोरी कर दी, जो रियलिटी चेक करके पता चला बाद में। पर ये तो नहीं होना चाहिए, पत्रकारों को तो खुली आजादी है, मतलब उनके साथ तो नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ है तो शायद कुछ बातें होगी, कुछ ज़्यादा डीपली उनको टच कर गया होगा, जो नहीं करना चाहिए। कभी कभी हम देखते हैं कि पत्रकार भी कुछ मर्यादा लांघ देते हैं, ये आप लोग जानते हो, कुछ चीज़ें सरकार के खिलाफ नहीं करना चाहिए। नहीं, सरकार के लिए कुछ पर्सनल चीज़ें होती है, मैं सरकार नहीं, सरकार को कोई सरकार या क्यों फंसा रहे सोशल दे के निकलवाना चाहते हो। वैसे देखा जाए तो ये देश के जो चार स्तंभ है उसमें से एक स्तंभ ये पत्रकार है, मैं खुद भी एक पत्रकार हूँ, संपादक हूँ, मेरा नया दरबार करके साप्ताहिक निकलता है, मगर जैसा पत्रकारों में भी बहुत सारी बातें होती है, अभी जैसा हमने बताया कि भाई दो संपादक मतलब पत्रकारों को निकाला गया, तो सारे सार गलत है, निषेध करने लायक ये बात है कि पत्रकारिता इतनी मजबूत है कि सुप्रीम कोर्ट को भी ये पत्रकार के पास आना पड़ा, मीडिया के पास आना पड़ा, यानी ये चारों खंभे में से सबसे मजबूत खंभा ये पत्रकारिता है, पत्रक है, वृत्त पत्र है, तो इसके पास सुप्रीम कोर्ट को भी आना पड़ा, तो ये शिकायत लेके, तो ये सबसे बड़ा मतलब खंभा है, मजबूत खंभा है, इसको अगर कोई हिला के इसको समझो कमज़ोर करता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब सभी पत्रकारों ने मिलकर देना चाहिए, ये पत्रकारों का धर्म है। नमस्कार दूसरे भाई बहनों, आज के इस प्रोग्राम पे, यानी कि आज 15 अगस्त है और इस शुभ अवसर पर आज हमारे साथ हिंदुस्तान की वो दो महान हस्तियां है, तो सबसे पहले राहुल जी क्या कहेंगे आप लोगों के बारे में? देखिए भैया, ये सूट बूट की सरकार है, ये भैया झूठी मूठी बातें करती है, इन्होंने कहा था कि पीएम बनने के बाद में विकास होगा, लेकिन भैया कहाँ है विकास, मुझे जवाब चाहिए भैया, जवाब का सवाल चाहिए मुझे। भाई विकास तो था ना भैया, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा विकास है या नहीं, पीएम साहब आप कुछ कहेंगे? आप
वीआईपी जी, मैं शहजादा जी को एक ही बात कहना चाहता हूं। ये कह रहे हैं पीएम बनने के बाद में विकास नहीं हुआ। शहजादे जी, मेरे पीएम बनने से पहले आप उपाध्यक्ष थे, अब अध्यक्ष बन गए, ये विकास नहीं है क्या? और आपसे गले मिलके उनका ज्यादा विकास हो गया। हाँ, गले मिले कम पड़े, गले ज्यादा पड़े वो। नहीं, गले मिलने के बाद विकास हो गया ना, क्योंकि चर्चित ज्यादा हो गया, तो विकास ही हो उनका। सही है। 72वें स्वतंत्रता दिवस की मैं सबको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। जैसे कि आज हमने आगरवाड़ी जेल कल्याण में कार्यक्रम लिया, वहाँ दिलीप जोशी जी, श्याम रंगीला जी, वीआईपी जी, इन सब का हमने वहाँ स्वागत किया और कैदियों के साथ उनका एंटरटेनमेंट का फंक्शन एक रखा गया था, उनका मार्गदर्शन भी इन्होंने किया है। वहाँ एक स्वस्थ भारत अभियान के कुछ लोग आए थे जिन्होंने वहाँ पे योग प्रशासन और योग का उन्होंने वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन दिया। एक बात उन्होंने बताई कि जो स्वच्छ भारत है, स्वच्छ भारत तब होगा जब स्वच्छ भारतीय बनेंगे। स्वच्छ भारतीय बनने के लिए हमारी जो सोच है, हमें पहले सबसे पहले हमारी सोच को अच्छा करना है। सोच जो हमारी साफ होगी, स्वच्छ होगी, तब जाके जो स्वच्छ भारत अभियान है वो रंग लाएगा और वो कामयाब होगा। मैं बाकी धन्यवाद करना चाहूँगा वीआईपी जी का, श्याम रंगीला जी का, गुलाबराव जी जिन्होंने सहयोग किया, उसके अलावा जेल के आईजी वीएन यादव साहब, जेल के सुपरिंटेंडेंट भारत भोसले और उनकी पूरी टीम का। साथ ही साथ आप सभी को भी मैं धन्यवाद करूंगा जो आप अपना टाइम निकाल कर यहाँ आए और इस इवेंट को कवर करें। तो आपके मन में ये ख्याल कैसे आया कि हमें इस तरह से इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करना चाहिए और जेल में जाकर आपने सेलिब्रेट किया और आपके जो इतने सारे गेस्ट आपने इनवाइट किए, तो उन्हें इनवाइट करने में क्या आपको कोई दिक्कत है या सभी लोग रेडी हो गए इस चीज़ के लिए? ऐसा है, आज से 4-5 दिन पहले हम बैठे थे, मैं और गुलाबराव जी, एक मूवी चल रही थी जेल, हम जेल मूवी देख रहे थे, तो वहीं पे वो जेल मूवी देखते देखते गुलाब जी ने बताया कि देखो जेल में यहाँ लोग बैठे हैं, 1 साल से कोई है, कोई 2 साल से, कोई 3 साल के, जिनका जामीन हो गया, उनको बाहर निकलने के लिए सिर्फ पैसों की ज़रूरत है, वो भी नॉर्मल अमाउंट, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000, तो क्यों ना हम उनकी मदद करें। उसके बाद मैंने जो स्पेशल जेल के आईजी है वीएन यादव साहब, उनके आगे ये प्रस्ताव रखा कि हमें इस तरह की गवर्नमेंट से मंजूरी चाहिए कि हम कैदियों को मुक्त कराएं। उसके बाद मंजूरी मिलने के बाद मैंने वीआईपी जी, श्याम रंगीला जी, दिलीप जोशी और कई कलाकारों को मैंने कॉन्टैक्ट किया पर्सनली, जिन्हें मैं जानता हूँ। तुरंत मेरे एक ही फ़ोन पे सबने हाँ कह दिया, क्योंकि ये जो एक मकसद था कि कैदियों को रिहा करवाना आज़ादी के दिन, और आज़ादी के दिन खुद हम अंदर जाके बैठ गए लेकिन उनको हमने रिहा करवाया, तो सब जन ने तुरंत हाँ कह दिया और किसी ने भी आने के लिए कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम नहीं, खुद ही सब पहुँच गए यहाँ पे, खुद ही उन्होंने अपना प्रोटोकॉल किया, अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे साथ आए। ओके, किसका आइडिया था ये कि मतलब ऐसा कुछ करना चाहिए हम लोगों को? ये गुलाब राव जी और मैं जब लास्ट वीक मूवी देख रहे थे जेल, तब ये आइडिया हम दोनों के दिमाग में आ गई और हमारे विचार काफ़ी मिलते जुलते, तो उनकी आइडिया और मेरी आइडिया, तो हम दोनों ने मिलके ये आइडिया की और उसके बाद हमने जेल के आईजी वीएन यादव, उनसे कांटेक्ट किया और उनसे हमने गवर्नमेंट से परमिशन मंगवा के ये कार्य किया। तो परमिशन लेने में कहीं कुछ दिक्कतें आई आपको, क्योंकि जेल का, जेल के अंदर जाना और वहाँ पे प्रोग्राम करना तो कहीं ना कहीं बहुत सारा? मोदी सरकार आने के बाद जो गवर्नमेंट के काम है, जैसा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसी तरह ईज ऑफ डूइंग गवर्नमेंट जॉब भी हो गए। अभी मैंने सिर्फ एक फ़ोन किया स्पेशल आईजी वीएन यादव साहब को, उन्होंने मुझे कहा कि राम आप तुरंत एक पत्र बना करके मुझे फैक्स करिए, मैं अभी ऑन द स्पॉट आपको अप्रूवल देता हूँ। मैंने उनको फैक्स किया, विद इन 5 मिनट के अंदर मुझे जेल से कॉल आता है कि हमारे सुपीरियर्स ने हमको ऑर्डर दिया कि इस तरह का आपका फंक्शन करना चाह रहे हैं और उसकी आपको परमिशन मिल गई है, जिसके बाद मैं वहाँ गया गुलाबराव जी और मैं, हम वहाँ गए जेल के सुपरिंटेंडेंट भारत भोसले, उनके साथ बैठक की हमने, उनका जो जेल का जुडिशियल डिपार्टमेंट का पूरा स्टाफ था उनके साथ बैठक की, कैदियों की लिस्ट बनाई, 30-35 कैदियों के नाम दिए, उनमें से हमने कुछ लोगों को शॉर्टलिस्ट किया, जैसे कि कुछ आरोपी थे रेप के, तो हम नहीं चाहते थे कि रेप के आरोपी को हम छुड़ाए, तो हमने उनके नाम कट किए। कुछ हैबिचुअल ऑफेंडर थे कि जिनको हम छुड़ाए भी तो पता है वो 2 दिन बाद फिर वहाँ जाएंगे, तो हमने वो नाम कट करके लगभग 20-22 लोगों को आज के दिन रिहा करवाई, 27 लोगों को आज के दिन हमने मुक्त कराया। हमारी रियल इस्टेट का जो ये है, पहले तो
मैं 90 से ये लाइन में हूँ रियल इस्टेट में। जो आदमी मेरे से 90 में घर लिया है उसके ही बच्चे आज समझो 27-28 साल के हो, वो भी आज हमारे जीबी के ग्रुप में ही घर लेते हैं, क्योंकि हर वक्त हम उनको सेवा देते हैं। जिसी ने 90 में घर लिया तो भी उनको आज दिवाली में हम जाके मिलते हैं। एक फैमिली मेंबर हमारे से जो घर लेता है उसको हम अपना फैमिली मेंबर समझते हैं और हर सुख दुख में उनके साथ हम रहते हैं। इसलिए हमको अम्बरनाथ में जो है सबसे अच्छा, मतलब रियल इस्टेट में हमको अच्छा सपोर्ट है। पूरे वर्ल्ड में रियल इस्टेट में मंदी है मगर हमको, हमारे पास मंदी नहीं है। अब भी आप जब भी बैठे रहेंगे तो भी बहुत काफ़ी कस्टमर यहाँ बैठे हुए थे, तो रियल इस्टेट में यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। मतलब बिल्डरों की छवि आपने सुधार दी है जी। मतलब इनको देखा है तो कई बिल्डरों के नाम आप जानते हो बड़ा खराब है, लेकिन आप इतने अच्छे बिल्डर है कि लोग आपको पुराने लोग आके मिलते हैं। हम जब भी अभी भी जो 90 में हमने कॉम्प्लेक्स बनाया वहाँ पे जाते हैं तो आज भी सारे लोग उतर के हमारा स्वागत करते हैं और हर 26 जनवरी को 15 अगस्त को हम खुशी से वहाँ पे जाते हैं और लोगों से मिलते हैं और वहाँ पे राष्ट्रीय ध्वज फैलाते हैं, लहराते हैं। अभी जैसे इन लोगों ने जेल पिक्चर देखी इन दोनों ने, अब इनको बॉर्डर पीछे दिखाओ हमको बॉर्डर पे नजर आएंगे। अब मैं तुमको बॉर्डर की सीढ़ी खरीद दूंगा ताकि आप दोनों हमको बॉर्डर डाउनलोड कर। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा आपने पूछा कि बॉम्बे में क्यों नहीं, हम बिजनेस करते करते सोशल वर्क भी करते हैं। हमारा समझो बिजनेस 40% 60% सोशल वर्क है। मेरे दो ट्रस्ट है और मेरा एक अखबार भी निकलता है, तो मुझे उसी में भी ज़्यादा रुचि होने के कारण हम अपना कारोबार यहाँ पे अम्बरनाथ, बदलापुर और कल्याण यहाँ तक सीमित रखते। नासिक में भी मेरा काम चालू है, सिरणी में भी चालू है, यहाँ तक सीमित रखते। बॉम्बे में अगर काम करना है तो इतना इन्वेस्टमेंट करने की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है और हमको यहाँ पे सूट है इसलिए हम यहीं पे हैं। ओके, और जो सोशल वर्क करते हैं उसके बारे में बताएंगे। पूरे साल भर में हम लोग मतलब ग्रामीण विभाग में जो बच्चे रहते हैं समझो उनको हम 25,000 बुक्स देते हैं, उनको बैग्स देते हैं, नीड है कोई बीमार लोग है जो कैंसर है, फिर जो कोई बहुत सारी बीमारी के जो लोग हैं उनकी दवा लेने की समझो क्षमता नहीं है तो मेरा सामने ही मेडिकल स्टोर है, वहाँ से मुफ्त में हम दवा देते हैं उनके लिए। और ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन भी हम अपने खर्चे से करते हैं और जिधर भी समझो हमारी ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर हम अस्थमा कैंप चलाते हैं, जबकि वर्ल्ड में हिंदुस्तान में सिर्फ हैदराबाद में चलता था वो कैंप, हम अम्बरनाथ में चलाते। 8,000 से 9,000 लोग यहाँ पे उसका लाभ उठाते और खाली लाभ नहीं तो उसमें से जो पथ्य और दवा बरोबर लेते हैं उनको 80% लोगों को फ़ायदा मिलता है। जो अस्थमा कैंप इतना बड़े पैमाने पे जहाँ पे दिल्ली से लोग आते हैं, नोएडा से लोग आते हैं, गुजरात से लोग आते हैं, MP से आते हैं, ऐसा हमारा एक सोशल वर्क है और बिजनेस भी है। आज का ये ख्याल तो बहुत ही नेक ख्याल था। मैंने मेरा स्टडीज जो है न्यू एंटरप्राइजेस बिजनेस स्टार्टअप में किया है, तो मेरा स्टडी है उसके हिसाब से मैं हमेशा सोचते ही रहता हूँ नए कुछ ना कुछ। लेकिन मैं सोचता हूँ मेरे डैड मतलब उनका क्वालिफिकेशन 10th है, वो पास आउट नहीं 10th है बस उसने, लेकिन वो उनका जो विजडम है और जो सोच है वो काफ़ी मतलब आज के ज़माने से भी काफ़ी आगे है। तो आज आप गए थे जेल में और हाँ, से गए, क्या कहेंगे, कैसा लगा आपको और क्या बातचीत हुई इनके साथ आपकी? वहाँ पे गया था, काफ़ी कैदी जो थे हमारे अम्बरनाथ से थे। जो अम्बरनाथ से थे तो कैदी उधर जो जाता है हर कोई जरूरी नहीं कि गुनहगार हो, वो आरोपी होता है। तो हमने बातचीत की, वो अम्बरनाथ वाले कैदी जाते जाते गार्ड को मिले, उन्होंने बोला कि आप हमारे यहाँ से इतना अच्छा सोच वाला कोई है
ये सोच के हमको हमारा मतलब हमको गर्व महसूस होता है। ऐसा वही आते कार में पूछा कि क्या बात कर रहे थे आप उनसे, तो उन्होंने बताया मुझको ऐसा बोले। सर इसके अलावा बहुत सारे कैदी थे उसमें जिन्होंने रेप भी किया होगा, बहुत सारे मतलब ऐसे क्रिमिनल केसेस होंगे उनके ऊपर, तो कैसे चुनाव किया? जैसे सर ने बताया कि 27 लोगों को बाहर निकाला गया है, तो उसमें से कैसे चुनाव किया आप लोगों ने कि ये ही सच्चा इंसान है, या फिर अगर उस बारे में कुछ बताया? चुनाव मतलब उसमें सर जो पेटी केसेस होते हैं, जो मतलब माइनर केसेस होते हैं, लेकिन उस पर जो उनको सज़ा मिलती है या तो सज़ा भी नहीं मिलती है, उनका ट्रायल पे चालू रहते और सिर्फ बेल हुआ रहता है और पैसे भरना बाकी रहता है, लेकिन बाहर कोई सोर्स नहीं होता, रिलेटिव नहीं होते, इसके लिए वो पड़े रहते हैं अंदर, तो उनको कोई हेल्प करने वाला चाहिए इसके लिए। तो मतलब जो छोटे केसेस में अंदर होते हैं उनको सिर्फ आप लोगों ने? हाँ मतलब छोटे केसेस जो नीडी है उसको सब। सर आप बताइए, आप गए थे जेल में, अगर जिस तरीके की कॉमेडी कर रहा हूँ कभी भी जेल जा सकता हूँ। भाई मैं अपना इंट्रोडक्शन क्या दूँ? नमस्कार दोस्तों साथी, उस वक्त हमारे साथ मुंबई के बहुत ही मशहूर फनकार, कलाकार, कवि भी रह चुके हैं और एक्टर भी रह चुके हैं, सुनील सावरा। धन्यवाद भाई, मैं भी ऐसे ही करता हूँ बीएफपी भाई के लिए, तो आज कर जो उतारने का मौका मिली है। मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूँ। अभी दो तीन दिन पहले करुणाले साहब, मेरा जी न्यूज पे प्रोग्राम था, तो एक टॉपिक मिला था भारत छोड़ो, तो मैंने कहा कि वो बोल रहे थे क्या क्या भारत छोड़ना चाहिए, कौन सी सी बुराई है, तो मैंने कहा कि सबसे पहले उन बच्चों को भारत छोड़ना चाहिए जो मिलते ही जय हिंद नमस्कार नहीं बोलते, हाय ब्रो, लव यू ब्रो, थैंक्स ब्रो, तो ऐसे जो हैं इंग्लिश भारत नहीं, इंग्लिश कल्चर भारत छोड़े। और यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरा माहौल हिंदुस्तानी है, और भारत छोड़ो आंदोलन के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर अगर कोई है, इस नारे को अगर किसी ने सीरियसली लिया है, तो वो है माल्या, नीरव मोदी, चौकसी, उनको बोलना ही नहीं पड़ा, उसके पहले ही भारत छोड़ दी। तो ऐसे लोग भी हैं जो बिना कुछ बोले अपना काम कर दे रहे हैं। और मुझसे प्रेस वाले ने पूछा था कि मोदी साहब ने सजेशन मांगा था श्याम भाई कि इस बार मैं 15 अगस्त को क्या भाषण में बोलूं, तो मैंने चचा से पूछा गाँव में, मैंने कहा चचा मोदी जी पूछ रहे हैं इस बार क्या बोले, बोले बेटा वो कुछ भी बोले लेकिन कम बोले, क्योंकि 4 साल से बोल ही रहे हैं। लेकिन देश है, हम किसी पार्टी के नहीं हैं, जो दिखता है हम वो बोलते हैं, और सारे जितने हम कॉमेडियन हैं देश में जो भी बुराइयां हैं हम लोग खुल के बोलते हैं, और हमारे करुणाले साहब हैं, विश्वजीत यंग भाई, मैं अंबरनाथ शहर का ही हूँ, अंबरनाथ शहर से मैं मुंबई में जाके जो भी थोड़ा बहुत कर पाया ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ से वहाँ जाना स्ट्रगल है। एक ने मुझसे पूछा यार कि तुम ये काम कर लोगे, मैंने कहा जो अंबरनाथ से मुंबई आ सकते हो कुछ भी कर सकता है। वो अपने आप में एक स्ट्रगल है। तो मैं आज बधाई देता हूँ आदरणीय करुणाले साहब को कि इन्होंने 27 लोगों को आज आज़ाद किया, और मैं भाई को ये दादा के पद चिन्हों पर चल रहे हैं और बड़े योग्य सुपुत्र हैं, मैं कहीं भी देखता हूँ विश्वजीत प्राय तो मुझे गर्व होता है, अभी गर्व हो रहा है, किसी दिन मैं उसमें खुद रहूँगा। और क्योंकि आज़ादी बहुत बड़ी चीज़ है, आज़ादी, मैं दादा से विनती करूँगा कि कुछ पत्नी पीड़ित पतियों को भी आज़ाद कराएं। बस कर पकड़े बुलाएं। बस सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, अच्छा लग रहा है। और मैं अगर इसकी बात चल रही है, आज कुछ एक दो लाइनें अगर सिद्धू जी के बारे में ना हो तो फिर मजा नहीं आता है। सिद्धू जी हर बात में मुहावरे मारते हैं, हर बात में मुहावरे, बिना मतलब के मुहावरे मारते हैं। पिछले दिनों मुझसे टकरा गया, मैंने कहा एक कहावत है कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, तो होता किसका है, बोले गुरु कुतिया का। हर बात में मुहावरे मारते हैं, वो बिना मतलब के मुहावरे मारते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि उनको सीमा पे रख देना चाहिए, मुहावरे मार मार के 2-3 पाकिस्तानी सैनिक मार डाले। और
जाते जाते दो लाइनें में पाकिस्तान के बारे में तो कहना ही चाहूंगा, क्योंकि आज हिंदुस्तान आजादी का पर्व है। बच्चों से शुरू करता हूं और पाकिस्तान पे समाप्त करता हूं। तो बच्चे ही अपने, हाँ बच्चे ही सब, बच्चों से शुरू करता हूं कि अब बच्चों को बच्चा कहना बच्चों का अपमान है। हर लड़की है ऐश्वर्या, हर लड़का सलमान है, और मेरी प्रेमिका इतनी सुंदर जितना हिंदुस्तान है, उसका बाप दुष्ट है इतना जितना पाकिस्तान है। तो मैं अपने तरीके से निपटाता हूँ, आप अपने तरीके से निपटा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने हमको सुना, और सुनने के बाद हमें जाने भी देंगे। 15 अगस्त दादा, स्वतंत्र दिन के मौके पे जो आज तक कहाँ पे भी भारत में ऐसा प्रोग्राम नहीं लिया गया, वो आज प्रोग्राम राम माधवा साहब और गुलाबराव करंजोले प्रतिष्ठान के माध्यम से आदरवाड़ी जेल में VIP साहब और सामरा गिला साहब, ऐसे दिलीप जोशी साहब, इनके सहयोग से मतलब 99% इनका उसके अंदर 100% रोल था। इनके वजह से वो प्रोग्राम में इतना चार्म आ गया कि आज मुझे लगता है कि कैदी बहुत साल के बाद हंसे होएंगे इतने। और मैं तो पॉलिटिकल पर्सन हूँ, मैं तो जिंदगी भर सब मतलब शो देखता हूँ, इतनी खुशी और इतनी तालियां और इतना शोर मैं कहीं देखा नहीं। मतलब इनके कॉमेडी पे, दोनों के कॉमेडी पे तो इतने खुशी हो गए उनको, मुझे नहीं लगता है कि उनके चेहरे पे ऐसा लग रहा था कि वो जेल में, क्योंकि जेल में जो आदमी परेशान होता है, खुशी वाले आदमी को हर कोई हंसा सकता है, मगर परेशान आदमी को हंसाना बहुत बड़ी बात है। और ऐसे मौके पे हमको दो डायमंड मिले कि जिन्होंने उनके जीवन में खुशी भरी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज इन्होंने हमको सहयोग किया, मैं उनका स्वागत करता हूँ देखे, और विनंती करता हूँ कि हर साल VIP साहब हमको मिले और ऐसे हम प्रोग्राम करते रहे। बिल्कुल सर, मंडल था हमारा, वो हर घुमाते थे। ओके सर।